मैंने सूरह मरियम की 16 नंबर आयत आपके सामने तलावत की, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर्की जानिब गोशा नशीन हो गई थी। किताबुल्लाह में उनका जिक्र किया गया और उनकी तरह से बनने की कोशिश की जाए, इसी के पेश नजर मेरी दोनों किताबें मंदिर यहां पर आई। उसकी रूह ही थी, पहली किताब मेरी मुस्लिम पट्टी तारीख के आदि में, इस किताब में जैसा कि अभी हमारे मोहतरम ने बताया मकानी साहब ने कि तारीख को मस्त करने की कोशिश की जा रही है, हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी सकाफत और अपनी तारीख को किस तरह से बचाएं। ये तारीख 400 साल की तारीख, मुस्लिम पट्टी की तारीख 400 साल की आयद जहांगीर में ये गांव आबाद हुआ था, और उस वक्त से अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त से जो भी गांव में पैदा हुआ सबका नाम उसमें आया है। जहां तक हो सका मुस्लिम बेग ने इस गांव को आबाद किया था, उनके दो बेटे थे, दो पट्टियां, मिर्जा हुजबान मोहम्मद बेग से एक दक्षिण पट्टी, मौलवी मिर्जा दुर्वेश अली बेग से उत्तर पट्टी, दो पट्टियां, उसी से पूरा खानदान आबाद है मिर्जा लोगों का। और इसमें जब ये लोग आए मिर्जा लोग, तो जो यहाँ के एक हिंदू राजा ने बगावत कर दी थी, तो दिल्ली से उनको भेजा गया। बगावत बगावत का मतलब ये था कि जो लोग टैक्स नहीं देते तो बागी कहलाते थे, तो मुस्लिम बेग आए और वो जंग हुई, उनकी इज्तमाही कब्र आज भी मौजूद है जिसकी निशानदही उसमें तस्वीर लगी हुई है, जो जंग हुई है, जो जो इज्तमाही कब्र जो शहीद हुए थे वो भी आज हमारे कागज में वो जगह उस नाम से है, गंज शहीदा के नाम से वो जगह आज भी दर्ज है उस जमाने में। और इसके अलावा ये तो उसकी शुरू में उसकी तारीख, मिर्जा लोग आए कहाँ से, हमारे आबा अजदाद चश्मिया से चले तो कहाँ पहुँचे, फिर कैसे आए दिल्ली से होते उसका जिक्र है, फिर उसके बाद उसकी जोग्राफिकल हैसियत क्या है, आजमगढ़ से कितनी दूरी पर ये मकाम है, इसकी किस तरह के मौसम है, मौसम किस तरह का है, किस तरह की फसलें होती हैं, और यहाँ पर आबादी कितनी है सरकारी आंकड़े से, और इसके अलावा यहाँ पर रकबा कितना है, कितनी लगान दी जाती है गवर्नमेंट को, सब सरकारी आंकड़े से इस सब को तरतीब दी गई है। और दूसरी और अहम वाकया जो गुजरे हैं, जो तकीब पट्टा है जिसकी दशक मैं खुद हूँ, उनको जो है उन्होंने शहीद कर दिया, उसका जिक्र उनकी कब्र की भी तस्वीर है, जो मुस्लिम बेग के बेटे जो हुजबान मोहम्मद बेग थे उनकी भी तस्वीर, उनकी जो कब्र की तस्वीर इस किताब में है, और जो अहम वाकयात गुजरे हैं उसमें उसी तस्वीर में जाना नहीं चाहूँगा। फिर जो दूसरा हिस्सा इस किताब का है आम शख्सियात का, ये उस जमाने से लेकर के एक मकाम रहा है मुस्लिम पट्टी का, जैसा कि हमारे हक्कानी साहब ने भी जिक्र किया कि बिंदवर और मुस्लिम पट्टी, अगर आजमगढ़ में अगर नाम लिया जाएगा कि पढ़ा लिखा गांव, तो दो गांव का नाम पहले आता है, जबकि बहुत छोटा गाँव है मुस्लिम पट्टी, लेकिन एक असली तारीख में भी इनका एक मकाम रहा है।
बड़े बड़े शोहरा भी गुजरे हैं और आलमी शख्सियत भी वहां से पैदा हुई। तो एक एक करियर एक छोटी सी जगह होने की जरूर रहा है, लेकिन एक शोहरत के अतबार से बैतुल अखवामी शोहरत उसको हासिल इस तरह से रही है कि यहाँ के जो लोग निकले हैं पूरी दुनिया में उनका जो है मुकाबला है। और तीसरा जो सबसे मेरे लिए सबसे कठिन जो मरहला था शजरे कि उस जमाने से लेकर मुस्लिम देश से लेकर शजरे को बेहतर करना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम यही था कि मैंने सन 2000 दिसंबर इस काम को शुरू किया था और ये 2024 में 23 में 2023 में ये किताब जो है तबाह से होकर के निकली। अब कोई इंग्लैंड चला गया, ज़्यादातर लोग बाहर रहने वाले, अब उसके रिश्तेदार के यहाँ उसके रिश्तेदारों के यहाँ जाना फिर उससे कॉन्टेक्ट करना एक कई बार करना पड़ता था। कुछ लोग 100 साल पहले बिहार में जाके आबाद हो गए, सिसून जाके बिहार में रहते हैं, अब किसी तरीके से वहाँ पर कहाँ मुलाकात है उसके घर जाएगा, फिर इस तरह होते हुए तो 150 नाम मैं बिहार दूसरे अदर मैं स्टेट से लेकर के आया। और कुछ लोग इंग्लैंड में चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए, सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान का था कि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं कर सकते, तो पता चला कि वो इंग्लैंड है तो उनसे फिर उनसे रास्ता, फिर या मलेशिया में रहने वाले हैं तो उनसे रास्ता करके उनके बच्चों के नाम जो जो बच्चा जब किताब मुरतब हुई है तो एक दिन का बच्चा था उसमें इसका नाम मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इंसान के अंदर हौसला हो, बुजुर्गों की दुआएं हो और आखिरत पर नजर हो तो कोई काम उसके लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन इल्ला ये कि दुनिया के बजाय आखिरत पर उसकी नजर होनी चाहिए कि इसका अगर अल्लाह ताला अगर देगा। और अब मैं दूसरे अपनी किताब की तरफ आता हूँ, वकील अहमद आदमी सादत जिंदगी शहादत की मौत। मैं सऊदी अरब में भी रहा और मेरी मुलाकात तकरीबन ईरान या चौरानवे भी नहीं होगी और एक बार उसी दौरान मैं मरकज भी आया, उसके बाद मैं मरकज आया था और मेरी अलगस और कसी में मुलाकात है और उन्हीं के हम मुलाकात है जिनके पर हमने ये किताब लिखी है। ये हमारे जैसे मैं ये पर भी दोहराना चाहता हूँ, नहीं कहना चाहिए आपने उसमें कहा था कि वो आम आदमी शख्स नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे जैसे मामूली इंसान थे, वो किसी अदारे से फारिग नहीं थे और किसी भी मतलब उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, वो एक मामूली सेवा मुलाजमत वहाँ पर करते थे। लेकिन वहाँ पर एक नौम से वो मुतासिर हुए तारीखी वो थे, उस वक्त वो बुरेदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन्हीं से मुतासिर हुए और इनकी जिंदगी में इस तरह इंकलाब आया कि वो खुद तो उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में मैं क्यों आऊँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। यही नहीं बल्कि ये फिक्र कम से कम 300 लोगों में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, तब्दील कर दिया। उसी ने कहे कि उन्हीं उन तादाद में से 200-300 में से मैं भी हूँ, वरना मैं भी नमाज पढ़ता, रोजा रखता, हज करता, ज़कात करता, हर एक मुसलमान समझता। लेकिन ये उन्हीं की सोच है, उन्हीं की फिक्र है कि मैं यानी सब कुछ करने के बाद भी अपने आपको मुसलमान नहीं समझता कि इसके आगे का और करने का काम क्या है। ये वो शख्सियत थी, तो ये एक बेहतरीन मुरब्बी थे, उन्हीं का तबीयत आता मैं। और इन्होंने सऊदी अरब में मैं कहती सब याद करता हूँ कि इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी, वकील अहमद आदमी साहब की हम लोगों से ज़्यादा तनख्वाह थी, तो ये हर अपनी पूरी तनख्वाह के पैसे दीन के कामों में खर्च कर दिया करते। एक बार रमजान का महीना था, हमारे दोस्त राशिद उस्मानी, तो उनसे कहे कि राशिद ईद आ गई है, मैंने बच्चों के लिए मैंने पैसा नहीं दिया, तो कहे अकाउंट दे दीजिए वकील साहब मैं भेज देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास अकाउंट ही नहीं है और उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि मेरे अकाउंट तो तुम सब लोग। आज मुझे एहसास हो रहा है कि हम लोग उनके अकाउंट किस तरह से आज हम हैं, उनका जिक्र खैर हो रहा है और उनके लिए वो दुनिया से चले गए, उनके लिए कलमा खैर कहने वाले तमाम एक लंबी उनके पोछ छोड़ करके हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सबसे बड़े अकाउंट तुम लोग हो, मेरे जो उनके पास कोई अकाउंट तक नहीं था जब उन्होंने छोड़ा है सऊदी अरब और आजमगढ़ आए। उसके बाद उन्होंने उस तरह से काम किया, बिंदवर के थे अकबर भाई उनको लिया, उसके बाद एक जो जमा इस्लामी की बिल्कुल वो थी उसके बिल्कुल मुतारिफ करा दिए पूरे आजमगढ़ शहर की जमा इस्लामी की कोई तहरीक है, उसका एक मकसद है, उसका एक टारगेट है, बिल्कुल फर्दर फर्दर उनसे जो मतलब मुलाकात कर करके बिल्कुल उन्होंने मुस्तकम किया और एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसे। मैं उनके लिए उनकी ताजियत में एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। तेरा वो मुख तला नाकाम समझा जिसको दुनिया ने,
उसी को सुरखुरु देखा, उसी को कामरा देखा, अपनी गांव ने बिगाड़ दिया।